अगली खबर महासमुंद से है, जहां पर आम नागरिकों को रास्ते जो सस्ता है वो दाम पर शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में कई जगह पर वाटर कूलर लगाए गए हैं, जो कि अब खराब पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को शुद्ध पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। और लोग अपनी जो प्यास बुझाने के लिए होटलों के बाहर रखे अशुद्ध पानी और महंगे दामों पर पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अरे 7 अप्रैल से खुला है, मतलब उसका उद्घाटन हुआ है, लेकिन इसमें पानी निकलता नहीं है और आदमी बेफिजूल पैसा डाल के खर्चा करता है, लेकिन पानी निकलता नहीं है, ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, कुछ नहीं निकलता सर इसमें। महासमुंद नगर पालिका के द्वारा 2 स्थानों पे वाटर एटीएम लगाए गए हैं। उन वाटर एटीएम का सूचना के अभाव में एक तो लोग वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज कि दोनों वाटर एटीएम जो है काम नहीं कर रहे हैं, जिसका लाभ जो है महासमुंद के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। ये सरासर गलत है। वाटर एटीएम काम कर रहे हैं, आप जाके एक बार देख सकते हैं। 1 रुपए में 5 लीटर आपको पानी मिलता है, उसकी 20 पैसे उसकी कॉस्ट है, और आम पब्लिक के तहसील ऑफिस के लोग वहाँ से पानी की सुविधा ले रहे हैं। मैडम, मैं आज इन लोगों से बात किया, उनको स्पष्ट करना है कि एटीएम नहीं संचालित है, चलता ही नहीं है, पानी उसमें से निकलता ही नहीं है, केवल 24 बंद रह गया। अब मैं पानी के एक बार चेक करा लेती, पर पानी की व्यवस्था वहाँ पड़ती है, पानी आ राजगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति